ये जो लोग आपको उपखंड मजिस्ट्रेट शिव के आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी को वोट ना देने के कारण इन्हें कल 2 तारीख को रात के करीबन 9:30 बजे के आसपास कुछ लोग इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इन्होंने नामजद लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है पुलिस थाना सिव में और SDM महोदय को अपना ज्ञापन भी दिया है सुरक्षा के लिए। ये लोग सिव क्षेत्र के सुवाला गांव के रहने वाले हैं। इनका यह तक के कहना है कि इन्हें रोज़ परेशान किया जाता है और गांव से बाहर निकालने की भी बात कही जाती है। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, निवेदन है कि गत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हम प्रार्थी द्वारा स्वतंत्र रूप से मतदान का उपयोग किया, जो कि गांव के समतवादी लोगों के समर्थित प्रत्याशी रविंद्र सिंह के पक्ष में नहीं मतदान करने का कहकर हमें सुवाला गांव के समस्त अनुसूचित मेघवाल को मानसिक, शारीरिक और जातिवादी रूप से हर रोज परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर कल रात्रि तारीख 2/7/2024 को रात्रि 9 बजे के आसपास करीबन ट्रैक्टर पर सवार होकर नामजद अपराधी मेघवालों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व लड़ाई झगड़ा भी करने की कोशिश की, जिसका मुकदमा आज हमने पुलिस थाना सिव में दर्ज करवाया है। ये लिखित रूप से सिव उपखंड मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी गई है कि सुवाला गांव के लोगों को, एक समाज को सुरक्षा दिलाई जाए कि उन्होंने रविंदर सिंह भाटी को वोट नहीं दिया और अब लोग जो है उस गांव के आसपास के उन्हें गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। सोचिए आज के समय में भी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो सकता है, और पिछड़े हुए इलाकों में शिव एक क्षेत्र जिससे करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर गांव है सिवाला, उपखंड मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर दूर शिव बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जो कि कई किलोमीटरों में फैला हुआ है। बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर तक इसके गांव लगते, तो सोचिए कि वहां पर क्या होता होगा और कैसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा। ये खबर आप सभी को देखने और शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खबर अपने आप में ही एक खबर है कि देखिए किस तरह से धारदार हथियार लेकर ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ लोग वीडियो में नज़र आ रहे हैं पहुँच जाते हैं और इन लोगों पर, कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। इस हमले में गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई, बाय चांस ऐसे लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। पिछले कई दिनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे कई वीडियो तमाम वायरल हुए हैं जिसमें लोगों को जो है जाति सूचक टारगेट किया गया है। पुलिस ने उन लोगों को, ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया है, पर पुलिस को और भी ऐसे लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं लोग जो है ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। तो कौन भेज गया बेटा, बदमाश हो जाए, बदमाश क्या तो कह तू, मैं बदमाश बेटा या हां भैया मिस यार मिस मुझे पता नहीं तू तो मैं तो पूरा करो आप